मैं हर दिन यहाँ पानी पीने के लिए आता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पानी पीने के लिए आता हूँ तो यहाँ पर कोई नहीं होता, ना मेरे आने के बाद ना मेरे जाने के बाद। क्या इस जंगल में कोई नहीं जो पानी पीता हो, या फिर यहाँ पर सब मुझसे डरते हैं? अगर मुझसे डरते भी हैं तो मैंने तो कभी किसी को पानी पीने से मना तो नहीं किया, और मेरे आते ही ये कहाँ सब भाग जाते हैं। मुझे इनसे पूछ लेना चाहिए कि आखिर यहाँ पानी पीने के लिए जंगल के जानवर क्यों नहीं आते। अगर मेरी वजह से ये डर रहे हैं तो ये फिजूल में ही डर रहे हैं। पूरे जंगल में एक ही नहर बहती थी, और शेर इस बात से बहुत हैरान था कि वह जब भी पानी पीने के लिए यहाँ आता है तो वहाँ कोई भी जानवर नहीं होता। नहर के आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई भी परिंदा या जानवर नहीं होता था, और ना ही कोई जानवर इस नहर के करीब आता। शेर इस बात से बहुत हैरान था कि आखिर ये जानवर पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं। पूरे जंगल में ये तो एक ही नहर बहती है, और शेर ने आज तक किसी परिंदे या जानवर को यहाँ आते हुए नहीं देखा। मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये जानवर पानी पिए बिना ही रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो इनके पास कौन सा ऐसा राज है जिसकी वजह से ये पानी पिए बिना ही जिंदा रह रहे हैं। आज जाता हूँ जंगल में और इस बात का पता लगाता हूँ। अब बस कोई जानवर या परिंदा मुझे मिल जाए जिससे मैं पूछ सकूँ कि आखिर इस जंगल में हो क्या रहा है, क्यों कोई इस नहर की तरफ नहीं आ रहा। अभी चलते चलते रास्ते में शेर को चिड़िया रानी मिल जाती है, और वो पूछता है। चिड़िया रानी, मुझे ये पूछना था कि मैं जब भी पानी पीने के लिए जाता हूँ तो मुझे वहाँ कोई परिंदा या जानवर नज़र नहीं आता। तुम्हें तो पता है इस जंगल में एक ही नहर है, तो फिर ये सारे जानवर और परिंदे जाते कहाँ हैं पानी पीने के लिए? मुझे तो ऐसा लगता है ये सब मुझसे डरते वहाँ पानी पीने नहीं आते। क्या ऐसा सच में है? क्या तुम्हें लगता है? देखिए बादशाह सलामत, जब आप पानी पीने के लिए जाते हैं तो जंगल के सारे जानवर और परिंदे आपको देखकर डर जाते हैं, फिर वो नहर से दूर भाग जाते हैं, और आपको लगता है कि वहाँ पानी पीने के लिए कोई नहीं आता। पानी सब जानवर वहीं से पीते हैं, लेकिन आपको देखकर डर जाते हैं, फिर वहाँ उस वक्त कोई नहीं होता, पानी वहीं से पीते हैं। पर बात यह है कि आपका खौफ जंगल में मौजूद है, बादशाह का खौफ। आपके करीब तो छोड़ो, आपके साथ भी कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो फिर आपके होते हुए भला वहां से पानी कैसे पी सकता है? बादशाह सलामत, वो तो आपकी आहट सुनकर भी ऐसे भागते हैं वो कि उनको समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाए। आपका खौफ ही उनमें इतना ज्यादा है कि वो आपको देखकर दूर दूर भाग जाते हैं। अच्छा, तो चिड़िया रानी, तभी मैं सोचूं कि मेरे आते ही सारे परिंदे और जानवर कहाँ गायब हो जाते हैं। जब भी मैं पानी पीने के लिए आता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता, उस नहर पर मैं अकेला ही होता हूँ। जब भी मैं नज़र घुमाता हूँ तो दूर दूर तक मुझे कुछ नज़र नहीं आता। आज समझा कि इस जंगल में मेरा खौफ बाकी है। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस जंगल में अभी मेरा खौफ बाकी है। बस इस तरह शेर को पता चल जाता है, ये बात समझ में आ जाती है कि आखिर जंगल के सारे जानवर नहर पर पानी पीने के लिए क्यों नहीं आते, इसके खौफ की वजह से।